अपने अपने सहाबा जगह तुम सारे आगे चले जाओ। तो सारे सहाबा चलते चलते गायब हो गए, अब नजर कोई नहीं आ रहे। तो आपने अम्मा आयशा से कहा, हजरत आयशा, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? कौन कह रहा है? काबा कौसैन वाला है? कौन कह रहा है? मकाम महमूद वाला, जिसके तो फैल ये कायनात बनी, जिसके तो फैल आज हम चलने वाले हैं, जिसकी बरकत से जन्नत का दरवाजा खुलेगा। आयशा दौड़ लगाओगी? कहीं लगाऊंगी। हजरत आयशा के साथ दौड़ लगाई। हजरत आयशा फरमाती हैं, उन दिनों में मेरा जिस्म पतला था, तो मैं अल्लाह के नबी से आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। फिर कुछ साल गुजरे तो एक जहाज से वापस आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा से कहा, तुम आगे चले जाओ। सब आगे चले गए तो पीछे सिर्फ हम दो रह गए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा दौड़ लगाओगी? तो हाँ जी लगाऊंगी। कहा, उस वक्त मैं जरा मोटी हो गई थी, तो फिर जो दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब बदला हो गया है, पहले तुम जीत गई थी, आज मैं जीत गया, तो ये बदला हो गया। ये क्यों किया है? कि मेरा नबी देख रहा था आने वाले वक्तों में मेरी उम्मत औरतों पे ज्यादतियां करेंगे, जुल्म करेंगे, और उसको कहेंगे हम बड़े मर्द हैं, हम बड़े गैरत वाले हैं। ये जहालत होगी। तो इंसानी जान के हुकूक हैं, इज्जत के हुकूक हैं, माल का हक है। माल का हक है, अल्लाह रिस्क दे तो गरीबों को ढूंढ ढूंढ के उनको जाके पहुंचाओ। एक तो फर्ज हक है जो मैंने अभी बताया है, एक उसके अलावा है, वो जितना मर्जी खर्च कर, उसकी कोई हद नहीं है, जितना मर्जी खर्च कर। लेकिन ये याद रखो, जितना अल्लाह को दोगे अल्लाह वापस करेगा। किसी शरीफ आदमी पर कर्जा चढ़ जाए, वो दुआएं मांगता है, अल्लाह मेरा कर्जा उतरवा। बुजुर्गों से कहता है, हजरत दुआ करो मेरा कर्जा उतर जाए, कोई वजीफा बताओ मेरा कर्जा उतर जाए। तो अल्लाह से बड़ा कोई गैरत वाला है? जब उससे कर्जा दोगे तो वो कम से कम 10 गुना करके तो यहां वापस करेगा, तो आगे फिर जितना चाहे वापस करे। मन यकरदुल्लाह कर्दन हसनन फयुदाइफ लहु अदाफन कसीरा। तो इज्जत का हक क्या है? कि किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को जलील ना करो, उसकी कीमत ना करो, उसे गाली ना दो। माँ बाप का हक क्या है? कि उनके आगे मैयत बन जाओ, कि उनके आगे उफ भी ना करो, ला तकुल लहुमा उफ। बीवी का हक क्या है? कि वो तुम्हारी खातिर मां छोड़ के आ गई, बाप छोड़ के आ गई, भाई छोड़ के आ गई, बहने छोड़ के आ गई, घर छोड़ के आ गई, सहेलियां छोड़ के आ गई, कितने जख्म उठा के तुम्हारे घर में आई है, तो उसको इतनी मोहब्बत दो कि उसके सारे जख्मों पे दवा लग जाए, मरहम लग जाए, और वो खुश तुम्हारे घर में जिंदगी गुजारे। उसको इम्तिहान में ना डालो कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही। भाइयों, अपने गांव की फिजा मोहब्बत की बनाओ, उल्फत की बनाओ, आपस में लड़ाई ना करो, झगड़े ना करो, नफरतें ना फैलाओ, और अपनी मस्जिद को आबाद करो। सोमरो जिनान सोमरो का कोई बच्ची बच्चा छोटा बड़ा मालदार गरीब बेनवाजी ना रहे। नहीं आती सीखो, नहीं आती समझो, और एक दूसरे से कोई आपस में खटपट है माफ करो, दरगुजर करो। और अपने माँ बाप जिंदा है तो उनके पांव धोकर जन्नत का रास्ता बताओ, हमारे जन्नत का रास्ता बनाओ। हमारे नबी ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका था, और मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जी नमाज फिर पढ़ूंगा। हाँ, ये माँ बाप का मकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने एक दफा माँ बाप को सुबह मोहब्बत की नजर से देख लिया, फौरन उसके लिए जन्नत में दो दरवाजे खोल दिए जाते। तो भाइयों का हक है कि एक माँ की छाती का दूध पिया है, जमीन पे न लड़ो, जायदाद पे न लड़ो, रिश्तों पे न लड़ो, खून के रिश्ते बड़े ताकतवर हैं, ये नहीं टूट सकते। इनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसके लिए हर नुकसान बर्दाश्त करो, लेकिन अपने भाई से मुंह ना बोलो, उससे कथा ताल्लुक ना करो, उससे बदकलामी ना करो, उसकी सह जाओ। सिरा रहने पर इतना रिस्क मिलता है कि कई कई नस्लें उसको उठाती रहती।
तो आमतौर पर भंग में लड़ाई होती है जमीन पर, हिस्सों पर, जायदादों पर, रिश्तों पर, और कुछ भी ना होता। इसने मुझे ये कहा था, इस पर ही लड़ाई शुरू हो जाती। माफ करो, दरगुजर करो, भाई का बड़ा हक, रिश्तों का बड़ा हक अल्लाह ताला ने रखा है। एक साहब ने आकर के, या रसूलल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, कोई बख्शिश का? तेरी मां जिंदा है? का जी मर गई। का तेरी खाला जिंदा है? का जी। का जा उसकी खिदमत कर, माफ हो जाए। ये रिश्तों का हक आपको बता रहा हूं। तो सिला रहमी से रिश्त बढ़ता है, खानदान आबाद रहते हैं। एक हदीस में आता है कि अगर एक जगह के लोग कितने ही नाफरमान हों, अगर उनकी आपस में मोहब्बत है और एक दूसरे का एहतराम है, तो अल्लाह उनका रिस्क बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो आप इस सारे इलाके को मिसाली बना दो, मोहब्बतें कायम करो, नफरतें मिटाओ। जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो मिसाली जिम्मेदार बनो, गरीबों को उनका हक दो, मजदूर की मजदूरी उसकी मेहनत से भी ज्यादा दो, तो तुम्हारे साथ बरकतों का निजाम चलेगा। तुम कहोगे, या अल्लाह मेरी फसल को बारिश की जरूरत है, अल्लाह ऐन बादल तुम्हारी दुआओं पे भेजो। तुम कहोगे, या अल्लाह मेरी फसल पक गई है, बारिश को हटा दे, तुम्हारी दुआओं पे अल्लाह ताला बादलों को हटा दे। तो ये माहौल आप अपने इलाके में कायम करो कि यहाँ के गरीब यहाँ के जमींदारों को दुआएं दें, यहाँ के वडेरों को दुआ दें कि हमारे लिए बड़ी रहमत है, हमारा हक मिलता है, और पसीना खुश्क होने से पहले उनकी मजदूरी उनके घर में पहुंचाओ, तो वापसी की बरकतें तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। तो नियत करते हो ना भाई सारे, एक तो अल्लाह को भी राजी करना है, आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है ना भाई, वादा करते हो? मेरे साथ ना भी किया हो, अल्लाह से तो किया कि नहीं किया? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ा हुआ है ना, कहो कलमा पढ़ो सारे। अब ये तो वादा तो अल्लाह से है कि आलम नमाज नहीं छोड़ेंगे, तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं तो खाली याद करा रहा हूं। तो जितने आप आए बैठे हो, कम से कम आप में आज के बाद कोई बेनमाजी ना हो। तुम्हें नहीं आती, बस शुरू कर दो और फिर थोड़ा थोड़ा करके सीखो कि अल्लाह के घर जाना तुम्हारा शुरू हो जाए। और ये जितना मजमा बैठा हुआ है, अगर आपस में लड़े हुए हो, कोई अल्लाह करे कोई भी ना हो, तो उठकर सुलह कर लेना, माफी मांग लेना। जो माफी मांगने में पल करता उसका दर्जा बड़ा हो जाता। एक दफा एक हजरत अली के बेटे हैं, उनका नाम है मोहम्मद, ये दूसरी बीवी से हैं, फातिमा से तो दो हुए, हसन हुसैन, ये हैं, इनकी मां का नाम है हनफिया। तो इमाम हसन और इनमें आपस में कोई खटपट हो गई, तो इन्होंने इमाम हसन को खत लिखा, मैं हनफिया का बेटा हूं, तू फातिमा का बेटा है, अगर मैंने माफी मांगने में पहल की तो मेरा दर्जा बढ़ा हो जाएगा, तो मुझे शर्म आती है कि मेरा दर्जा तुझसे आगे हो, तू फातिमा का बेटा है, तो जब मेरा खत पहुंचे तो मुझे मनाने के लिए आ जा, वरना मैं आ जाऊंगा तो तेरा दर्जा छोटा हो जाएगा। तो जब हजरत हसन ने भाई का खत पढ़ा तो उन्होंने जूता भी नहीं पहना और नंगे पांव भाग पड़े और जाकर अपने भाई के गले लगे। कितना अदब है, है? सुभान अल्लाह, कि मुझे माफी मांगने में कोई जिल्लत नहीं, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा हूं, लेकिन मसला यह है कि अगर मैंने पहल कर ली तो मेरा दर्जा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे शर्म आती है कि मेरा दर्जा तुझसे आगे हो और तुम मुझसे पीछे हो, तो जब मेरा खत पहुंचे तो मुझे मनाने के लिए आ जा। तो जो आप में से कोई खटपट है, जो पहल करेगा उसका दर्जा बड़ा हो जाएगा। तो एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे से दरगुजर करो, तो तुम्हारी मोहब्बत भी एक बड़ा अमल है जो तुम्हें जन्नत में पहुंचाएगी। उसकी नियत करते ना भाई। सन 2000 में हम आए थे, हमारी जमात थी,